अब तक मैं भाग रहा हूँ लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है भाई, देख लो इस आरक्षी पर समस्त उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियाँ खा रहे हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्ते को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, कर्णा द्वारा, मैस मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो।